कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाना बंद करे सरकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी ने भी किया प्रदर्शन। आम्रपाली के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सात बैंक देंगे 1,500 करोड़, एनबीसीसी और बीओबी के नेतृत्व वाले बैंकों के बीच कर्ज को लेकर करार। पवार को हुई यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग, एनसीपी नेताओं ने कहा देश को उनके अनुभव की जरूरत। केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ मामले में 8 लोग गिरफ्तार, सभी बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे करोड़ी सिंह बैंसला का निधन, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, मार्च महीने में तापमान 40 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। राज्यसभा की 8 सीटों पर वोटिंग, असम केरल समेत 5 राज्यों पर नजर, पंजाब से आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवारों का हुआ चयन। विदेश मंत्री जयशंकर और ब्लिंकेन ने की फोन पर बात, यूक्रेन संकट और हिंद प्रशांत पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने बीईएल के साथ किए 3,102 करोड़ रुपए के करार, वायुसेना के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों की होगी आपूर्ति। स्कूली शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम, पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल। पीएम मोदी ने की राजस्थान के सीएम से बात, हर मदद का दिया भरोसा। मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की मुलाकात, हुई खास बातचीत। शिवसेना ने की यूपीए में बदलाव की वकालत, सामना में कहा मालिकाना हक कांग्रेस के पास, बिना बड़े बदलाव विपक्षी एकजुटता नहीं संभव। हलाल मीट पर उठी आपत्तियों पर कर्नाटक सीएम ने दिया बयान, कहा इस विषय पर संज्ञान लेगी सरकार। अलीगढ़ में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन, पत्रकारों को किया गया सम्मानित। गाजियाबाद में नाले में गिरने से एक गर्भवती महिला की मौत, पैर फिसलने से नाले में गिरी महिला। गाजियाबाद में पेट्रोल के बढ़ते दाम पर रामदेव से पूछा गया सवाल, पेट्रोल डीजल के सवाल पर भड़के रामदेव। मऊ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, अंग्रेजी की परीक्षा देकर घर लौटी छात्रा को मारी गोली, छात्र को मारी गोली। रायबरेली में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य। रायबरेली में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, शराब पीने का पैसा नहीं देने पे युवक पर किया बोतल से प्रहार।
फरुखाबाद में भाजयुमो नेता का दबंगों भाजयुमो नेता को दबंगों ने मारी गोली, पुलिस और पूर्व प्रधान पर मिली भगत का आरोप। मायावती और अखिलेश यादव ने महंगाई पर सरकार को घेरा, कहा भाजपा को जन सरोकार से नहीं तिजोरी भरने से मतलब। एनईआर में साल भर 15 लाख बिटकॉइन पड़ गए, 100 करोड़ जुर्माना वसूला गया। उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म के 60% केस में सजा नहीं, एडीजी एटीएस ने समझाई बारीकियां। यूपी पुलिस की नई व्यवस्था, महिला सिपाही पर होगी 50 मुकदमे के पैरवी की जिम्मेदारी। मई जून की आभास करा रही मार्च की रातें, औसत से अधिक रहा न्यूनतम तापमान। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने बनाई कृत्रिम हड्डी जो असली की तरह देगी मजबूती, जोड़ों की समस्याओं में प्रभावी होगी तकनीक। मेरठ में गुड़ बराल में रैपिड रेल और मेट्रो मिलेगी, एक्सप्रेसवे भी जुड़ेंगे। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति निशीत राय पर एफआईआर, जन्मतिथि छिपाने और गलत जानकारी देने का लगा आरोप। अवैध अतिक्रमण बताकर एसडीएम ने तुड़वाई कब्रिस्तान की दीवार, खुलवाया रास्ता। मिर्जापुर में ड्रमंडगंज वन रेंज के कानपुर पहाड़ से उठी आग की लपटें बंजारी पश्चिमी वन क्षेत्र तक पहुंची। दूसरी बार मंत्री बनकर रामपुर पहुंचे बलदेव सिंह औलख, बोले किसानों की आय दोगुनी करने का रहेगा विशेष प्रयास। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर भी कसेगा ईडी का शिकंजा। दूषित पानी की समस्या से प्रयागराज वासियों को मिलेगी छुटकारा, 11 किलोमीटर के दायरे में बिछेगी नई पाइपलाइन। बरेली में डॉक्टरों का दावा, बोले लाइलाज नहीं ब्लड कैंसर, सामान्य जीवन जी रहे 70 से 80% मरीज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा गोरखपुर में जल जमाव से निपटने के लिए त्रिस्तरीय कार्य योजना तैयार करें अधिकारी। अखिलेश की लोहिया बस को टक्कर को देगी योगी की रूरल मेट्रो, खरीद प्रस्ताव पर मुहर। प्रदेश प्रभारी शुक्ला के सामने खुलकर सामने आई गुटबाजी, कई नेता बैठक में नहीं पहुंचे। एनओसी ने रोकी कानपुर की उड़ान, कुछ दिन बाद फिर बंद हुई कई फ्लाइटें। यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी पेपर लीक केस में बलिया डीआईओएस और पत्रकार समेत कुल 22 लोग गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए पहुंचे शिवपाल यादव, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज।
यूपी में अब मंत्रियों के सहारे अफसरों के सहारे नहीं चलेंगे मंत्रियों, काम खुद करना होगा, कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन। महाराजगंज में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। रालोद संगठन पर करेगा फोकस, जिलों का भ्रमण और चुनावी नतीजों का अध्ययन कर समिति जयंत चौधरी को सौंपेगी रिपोर्ट। ऋषिकेश में आरआरआर देखने पहुंचे अमिताभ बच्चन तो प्रशंसकों ने खास अंदाज में किया स्वागत, रश्मिका मंदाना और सुनील ग्रोवर भी रहे मौजूद। पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ी तपेश, देहरादून समेत कई मैदानी क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के आसपास। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान दो दिनों में 7.23 घंटे चला सदन, शांतिपूर्ण संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञापित किया धन्यवाद। जनता पर महंगाई की मार, राजधानी देहरादून में 100 रुपए पार पहुंचे पेट्रोल के दाम। चार धाम यात्रा पर जाने वाले व्यवसायिक वाहनों को बड़ी राहत, ग्रीन कार्ड बनवाने के नियम में हुआ बदलाव। धामी सरकार 2.0 के पहले सत्र में पारित हुआ 21,116 करोड़ का लेखानुदान, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मंत्री तय कर रहे प्राथमिकताएं, धन सिंह ने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत, तो गणेश जोशी ने उपनल को लेकर किया बड़ा ऐलान। सीएम धामी की पत्नी का फर्जी ऑडियो क्लिप वायरल, छवि धूमिल करने के आरोप में दो लोगों पर मुकदमा। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर्रार, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश प्रभारी और हरीश रावत को बताया हार का जिम्मेदार। पूर्व में पारित तो विधेयक बने अधिनियम, पंचायतों में प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने के विधेयक पर होगा पुनर्विचार। पुष्पांजलि इंफ्राटेक की शिकायतों के निपटारे को लेकर फुल बेंच में सुनवाई, फ्लैट खरीदारों को राहत के आसार दूर दूर तक नहीं। परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाने पर नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन, यूपी पीसीएल ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में तीसरी लहर के बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमण के मामले आए सामने। इंटरनेट मीडिया पर लोगों का दिल लूटने वाले प्रदीप मेहरा पर हो रही मदद की बारिश। प्रीतम सिंह ने अभिभाषण पर बोला हमला, धरने में अकेली पड़ी अनुपमा तो नौकरशाहों में खलबली। पाकिस्तान में सियासी संग्राम के बीच पीटीआई के दिग्गज का दावा, प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा। रूस में मारियूपोल में संघर्ष विराम की घोषणा, 5,000 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका। यूरोप में बढ़ सकता है तनाव, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर स्वीडन की वायुसेना में सीमा में घुसे।
पूर्व पत्नी रेहाम खान ने कहा, इमरान खान अब अपनी कुर्सी नहीं बचा सकते, उन्हें जाना होगा। रूस की खूंखार स्नाइपर गिरफ्तार, नंसेवनी शूटर ने 40 से ज्यादा यूक्रेनियों का किया मर्डर। जो बाइडेन ने लगवाया कोरोना का दूसरा बूस्टर डोज, कोविड वेबसाइट लॉन्च कर लोगों से की बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का आरोप, नवाज शरीफ ने भारत को दिया था आतंकी अजमल कसाब का ब्यौरा। अमेरिका का दावा, चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट से हट रही है रूसी सेना, धमाके की आशंका को लेकर यूक्रेन ने रखी थी मांग। पाकिस्तान में चरम पर सियासी संग्राम, अल्पमत में आई इमरान सरकार, अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में चर्चा। पाकिस्तान में गंभीर स्तर पर पहुंची बिजली की किल्लत, पूरे देश में शुरू की गई अघोषित लोड शेडिंग, कई पावर प्लांट ठप। महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है राहत, रूस ने भारत को $35 के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का दिया ऑफर। कोरोना से प्रभावित सर्विस सेक्टर को राहत, अगले साल तक ले सकेंगे सरकारी गारंटी वाले लोन। '21-22 के आखिरी ट्रेडिंग दिन मामूली बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, एक्सिस बैंक के शेयर में तेजी। रेलवे ने किया 214 ट्रेनों को कैंसिल, 15 दिन के लिए की गई डाइवर्ट। इंडियन रेटिंग्स ने घटाया जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, 7 से 7.2% किया गया। खेती के लिए खरीदना है कृषि उपकरण तो सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी का उठाएं लाभ। FIIS ने शेयर बाजार में घटाई हिस्सेदारी, 2021-22 में की रिकॉर्ड बिकवाली। सोना ₹573 हुआ महंगा, चांदी भी ₹1,287 चढ़ी। ONGC को मिली ₹4,854 की बोलियां, 3.57 गुना हुआ सब्सक्राइब। दिग्गज ज्वेलरी ब्रांड ज्वेलकस लेकर आ रही है ₹2,300 करोड़ का IPO, सेबी के पास फाइल किया गया DRHP। हर्ष पटेल ने डेल स्टेन को छोड़ा पीछे, अपने नाम किया अद्भुत रिकॉर्ड। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर से ली ट्रेनिंग, आर्यन जयान को दिया स्पेशल टिप्स। कप्तान डू प्लेसिस ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ, कहा धोनी की तरह है टीके। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच ने लिए युजवेंद्र चहल के मजे, बोले ₹10 की पेप्सी यूजी भाग सेक्सी।
शेल्डन जैक्सन ने फिर दिखाया जादू, विकेट के पीछे लपका शानदार कैच। बैंगलोर की जीत के बाद अंक तालिका में हुआ बदलाव, टॉप पर है विस्फोटक कप्तान की टीम। कोलकाता के खिलाफ चला आरसीबी का तुरुक्का इक्का, दो गेंदबाजों ने चटकाए 7 विकेट। नंबर वन की कुर्सी पर कायम ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, कोहली और रोहित बल्लेबाजी रैंकिंग में फिसले। पाकिस्तान के बाबर आजम ने तोड़ा दिग्गज वीआईवी रिचर्ड्स का रिकॉर्ड, कोहली भी छूटे पीछे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में वेस्टइंडीज को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने बनाई वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अपकमिंग फिल्म नूरानी चेहरे का हुआ रैपअप, एक्टर ने दी जानकारी। मुंबई की गर्मी में जैकेट पहने दिखी मलाइका अरोड़ा, सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोल। ऋषि कपूर को स्पेशल ट्रिब्यूट, रणबीर समेत कई सितारों ने ओम शांति ओम पर मचाया धमाल। दीपिका पादुकोण हर महीने कब आती है करोड़ों पति रणवीर सिंह संग, जीती है बेहद ही लग्जरी लाइफ। रिमी सेन हुई ठगी का शिकार, 4.14 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के बाद दर्ज कराई एफआईआर। एक्शन हीरो ब्रूस विलिस ने फिल्मों को कहा अलविदा, गंभीर बीमारी के चलते लिया ये फैसला। कंगना के शो में गूंजा विल स्मिथ का थप्पड़, धर्म के नाम पर भिड़े पायल रोहतगी और मुनव्वर फारूकी, बोले मैं यहां ऐसे ही नहीं हूं। द कश्मीर फाइल्स से यूएई में हटा बैन, बिना किसी कट के रिलीज होगी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म। बॉक्स ऑफिस पर बेखौफ दहाड़ रही राजा मौली की आरआरआर फिल्म ने 6 दिन में किया रिकॉर्ड तोड़ कमाई। फिल्म शर्मा जी नमकीन में सरल सहज कहानी में ऋषि कपूर दिखते हैं अभिनय की चमक, परेश रावल भी छोड़ते हैं असर। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।